दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी आज की जो वीडियो है उसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आईपीओ का फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रॉब्लम दे रही हैं आजकल। तो जो नया फॉर्म पैटर्न आया है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके ब्राउचर में क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, वो सारी एडिंग चीज़ें जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ब्राउचर खोल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आईपीओ की वेबसाइट पर जाना है। तो ये हम आईपीओ की वेबसाइट पर चले गए। इसमें एडमिशन 2020-21 के टैब में आप जाएंगे, एडमिशन 2020-21 का नोटिस। तो यहाँ पे आपको नोटिस से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ से हम ब्राउचर लेंगे। तो आप ब्राउचर लोगे तो यहाँ पे आपको ब्राउचर में आपको ये आपका ये टैब खुल करके आएगा, जिसमें नीचे आपको दिया हुआ है एडमिशन ब्राउचर 2020 फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21। तो दोस्तों इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो है ब्राउचर खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका ब्राउचर आ गया, 244 पेजेस इसके अंदर हैं, जिसमें की सारी आईपीयू की डिटेल्स इसके अंदर दी हुई हैं। तो दोस्तों जो सीईटी हमारा है वो हमारा 128 है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अगर हमें लेटरल एंट्री से बीटेक में एडमिशन लेना है आईपीयू के थ्रू, तो जो आईपीयू का सीईटी कोड होता है वो 128 कोड के थ्रू हमें बात करनी है। तो दोस्तों हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए, इसमें टोटल 244 पेजेज हैं, तो हमें इन सबको रीड नहीं करना है। जो हमारे काम का है वो मैंने अलग किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पेज नंबर 20 पे आएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पेज नंबर 20 डाल देना है। तो जैसे ही आप 20 पे पहुंचेंगे तो 20 पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो सीईटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो दोस्तों इस 20 पेज नंबर पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि लेटरल एंट्री टू, ये 15th नंबर जो है ये आपका 15th नंबर है। 15th नंबर में आपको लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम्स फॉर डिप्लोमा होल्डर एडमिशन इज टू द सेकेंड ईयर, या थर्ड सेमेस्टर में हम लोग एडमिशन लेते हैं। तो 3 साल का ये आपका कोर्स है, एली बीटेक डिप्लोमा इसको बोलते हैं। और इसका जो सीईटी कोड सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आप एरो मार्क देख रहे हो, तो ये आपका 128 कोड है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों इस 20 नंबर के पेज पे आपको सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसके बाद आपका कोई पेज काम का नहीं है यहाँ पर। तो हम डायरेक्ट आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे अपने, जो हमारे काम का है वो है पेज नंबर 45। तो दोस्तों जैसे ही आप पेज नंबर 45 पे आएंगे तो आपको पेज नंबर 45 पे जो जानकारी दी हुई है वो आपको जानकारी दी हुई है आपके सीईटी कोड 128 के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। तो जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए, तो दोस्तों आपका 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी ब्रांच में होना चाहिए, वो आपके 60% कम से कम मार्क्स उसमें होने चाहिए जो इनके में मांगे हुए हैं। दोस्तों इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन ये भी मैं देना चाहूँगा कि आप कोई भी ब्रांच बीटेक में जा करके ले सकते हैं, आपको मैटर नहीं करेगी कि आपके डिप्लोमा में कौन सी ब्रांच थी। तो आप कोई भी ब्रांच डिप्लोमा में रखते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बीटेक में जाकर के अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है कि आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्लीटेड, और 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जिनका डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर है वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कुछ बच्चे हमारे पास में ऐसे भी हैं दिल्ली में जिनका, या बाहर से भी जो है, जिनके पास डिप्लोमा आर्किटेक्चर है। तो डिप्लोमा आर्किटेक्चर दोस्तों आईपीयू सीईटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसमें आपके लिए कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आपको इतनी ही जानकारी मिलती है कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी थी कि कौन कौन एलिजिबल है इस हमारे सीईटी 128 के लिए। तो दोस्तों 47 पेज नंबर के बाद हम डायरेक्ट आएंगे 61 पेज नंबर पे। तो दोस्तों 61 पेज नंबर पे जैसे ही आप आओगे तो 61 पेज नंबर पे आपको सिलेबस की जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों सिलेबस में क्या आने वाला है, देखो सिलेबस तो हमारा चेंज नहीं हुआ है। जैसे आपका जो एली टू बीटेक डिप्लोमा के हम पेपर देते हैं बीटेक में एडमिशन लेने के लिए सीईटी कोड 128 का, तो दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज़ आपकी आती है अप्लाइड मैकेनिक्स। जो अप्लाइड मैकेनिक्स आता है वो दोस्तों डिप्लोमा लेवल का आता है। डिप्लोमा में जितना आपने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा है वही यहाँ पे आएगा, और वो 25% आएगा। दोस्तों ये 25 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 25% है, यानी कि जितना पेपर आपका आएगा उस पेपर में से 25% आपका अप्लाइड मैकेनिक्स होगा। दूसरे नंबर पर आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, वो भी 25% आएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं, इसके अंदर कई चीज़ें होती हैं जैसे कंप्यूटर अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज। तो ये जो है आपका, ये टोटल मिलाकर के तीनों सब्जेक्ट 25% आएंगे। अब ये आएगा कहाँ से, दोस्तों जो कंप्यूटर अवेयरनेस है वो जीके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी जीके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आपके अंदर से नहीं आएंगे, जीके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि आप बेसिक लूसेंट से आप देख सकते हो वहाँ पे जीके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके क्वेश्चन आएंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स भी आपका डिप्लोमा लेवल वाला आएगा, जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है। इसके बाद चौथे नंबर पे आपकी आती है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों ये आपकी जो रीजनिंग है ये आपकी 25% आती है। तो रीजनिंग के अंदर आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होता है, और 25% रीजनिंग आती है दोस्तों। तो ये आपका सिलेबस के बारे में हमने बात की कि जो 120 कोड है उसमें आपका 128 जो कोड है उसमें आपका क्या सिलेबस आने वाला है। तो दोस्तों सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस चेंज जहाँ तक हमें लग रहा है वो इतना हुआ है
कि जो आपका सीईटी में जो पहले जो पेपर होता था ऑफलाइन पेपर होता था, अब से जो पेपर होंगे वो ऑनलाइन पेपर होंगे। आगे मैं स्कीम में बताऊंगा आपको, आगे चलेंगे तो हम आपके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या स्कीम होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो दोस्तों चलिए, इसके 61 पेज नंबर के बाद आप डायरेक्ट आएंगे 104 पेज नंबर पे, 104 पेज नंबर। तो दोस्तों जैसे आप 104 पेज नंबर यहां पर डालोगे, 104 पेज नंबर पे आओगे तो यहां पे आपको दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म फीस एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो फीस के बारे में यहां पे जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों इसमें फीस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले जो भी आईपी लीड कराता था उसमें 1000 रुपये फीस होती थी, 1000 रुपीज़ चार्ज किया जा सकता, लेकिन अब फीस बढ़ गई है क्योंकि पेपर ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया है, तो फीस जो है आईपीयू ने बढ़ा दी है और अब जो फीस है वो 1200 रुपये है। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो आपकी अभी एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है वो 1200 रुपये देनी होगी। ये आप ऑनलाइन पे करेंगे, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फीस एप्लीकेशन करेंगे तो अभी फॉर्म फिर खोल के हम दिखाएंगे, तो जो आपकी फीस है वो 1200 रुपये है। और जो आपके एग्जाम्स प्रोसेसिंग चार्जेज एंड टैक्सेस शैल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। टैक्सेस जो लगेंगे वो लगेंगे, ये उन्होंने बताया हुआ है। एडमिट कार्ड्स जो हैं अभी जो पे डाप के इन्होंने बताया, एडमिट कार्ड्स कैन बी डाउनलोडेड बाय यूजिंग कैंडिडेट्स लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ऑनलाइन। यानी कि अभी जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है, रजिस्ट्रेशन हम करते हैं सबसे पहले, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, वो आपको संभाल करके रखना है, उसी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा फ्यूचर में जब आपका एग्जाम आएगा। दोस्तों इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन हो गए थे 1 मार्च से 31 मार्च तक रहेंगे, ठीक है। तो और जो वेबसाइट है www.ipu.ac.in पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम अभी आपको बताएंगे भी। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर गिवन बिलो प्रोग्राम्स, जितने भी आपको बिलो प्रोग्राम दिए हुए हैं इसमें आपका 120 कोड भी, 128 कोड भी है, तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो इसमें हमारा जो 128 कोड दिया हुआ है दोस्तों, वो आपका नीचे दिया हुआ है, सबसे नीचे आकर के आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको 128 कोड दिया हुआ है, ये आपका डी नंबर पे आपका 128 कोड है, लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम्स फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 128 कोड यहाँ पे आपको दिया हुआ है। दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे जो हमें जानकारी दी हुई है इसके पास में, ये सभी कोर्स के दिखे हुए हैं, ये हमारा कोई मतलब नहीं है। जनरल गाइडलाइंस फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। अभी तक जो हमारा पेपर होता था इससे पहली बार तक वो ऑफलाइन होता था, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या दे दिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराया जाएगा सीईटी के थ्रू। दोस्तों इस बार जो पेपर कराया जाएगा वो ऑनलाइन कंडक्ट होगा, और जो टेस्ट सेंटर्स होंगे वो क्या होंगे वो यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब, ठीक है। लेकिन जो हाल फिलहाल में हमारे को जो नॉलेज है उससे हम यही बता सकते हैं कि आपकी जो एडमिट कार्ड्स की जो आपके टेस्ट सेंटर्स होंगे वो आपके आईपीयू के ही कॉलेज होंगे, जैसे महाराजा अग्रसेन हो गया, सूरजमल हो गया, भारतीय विद्यापीठ हो गया, जिन जिन कॉलेजेस के पास कंप्यूटर्स हैं उन्हीं कॉलेजेस में आपको सेंटर्स दिए जाएंगे। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव मार्किंग की एग्जाम के अंदर, तो आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, तो आपका वहाँ से अगर एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो एक नंबर आपका कट जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर, एमफिल पीएचडी को छोड़ करके। तो आप हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बताया हुआ है कि यूनिवर्सिटी सेल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ सीईटी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट एज गिवन द शेड्यूल, जो शेड्यूल में दिया हुआ है यह पता लग जाएगा आपको। और इन्होंने बताया हुआ है कि डेली हम जो है अपनी वेबसाइट को जाकर के चेक करते रहें लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए, क्योंकि जो है इनका चेंज होता रहेगा ड्यू टू द सम अनसर्टेन फ्लक्चुएशंस इन द सोसाइटी। तो उसके कारण इन्होंने अपनी जो डेट्स रखी हैं वो फ्लक्चुएशंस रखी हैं, फ्लक्चुएशन बेस्ड रखी हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बताया हुआ है कि यूनिवर्सिटी डज नॉट इश्यू और सप्लाई इंटीमेट द मार्क्स और रैंक टू एनी कैंडिडेट एंड नो करस्पॉन्ड। यूनिवर्सिटी कभी भी आपको मार्क्स नहीं बताएगी या रैंक नहीं बताएगी, जो आपका बाद में आप पूछेंगे तो नहीं बताएगी, जो भी आपका रिजल्ट होगा वही आपका फाइनल होगा। रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड एनश्राइंड इन यूनिवर्सिटी एक्ट, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए आपको गाइडलाइन यहाँ पे दी हुई है, आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं जा करके, बाकी हम आपको करके दिखाएंगे उसमें हम देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है ये सारी चीज़ें आपके होने पास जो होनी जरूरी हैं। इसके बाद स्कीम क्या है दोस्तों, इस चीज़ को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। अभी जो सर हमारे पीछे लाइव आए थे लास्ट वीडियो में, उन्होंने उसमें स्कीम बताई थी, उसमें हम लोगों को बोला था कि 150 क्वेश्चन आएंगे जैसा कि हर बार आते हैं, उसमें से 25 25 25 25 चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो मैंने आपको भी सिलेबस बताया था। तो दोस्तों सिलेबस तो अब की बार चेंज नहीं हुआ है, 25 25 25 25 ही है, लेकिन स्कीम के अंदर जितने क्वेश्चंस आते थे वो इन्होंने चेंज कर दिए हैं। अब की बार जो इन्होंने बोला है कि टेस्ट पेपर जो होगा उसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों इसको ध्यान से ध्यान देना कि 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टाइम जो इन्होंने दिया है वो अब की बार भी 150 ही मिनट दिए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने 150 ही मिनट दिए हुए हैं आपका टू एंड
दोस्तों ये 2.5 आवर का एग्जाम है, मतलब 150 ही मिनट आपको मिल रहे हैं। लास्ट टाइम भी यही होता था कि 150 क्वेश्चन होते थे, 150 मिनट मिलते थे, लेकिन अब की बार क्वेश्चन 100 हैं, लेकिन आपको टाइम कितना मिल रहा है, 150 मिनट मिल रहे हैं। टाइम में जो क्वेश्चन चेंज कर दिए इन्होंने, तो लास्ट टाइम सर ने 150 क्वेश्चन बोले थे, तो उसको प्रैक्टिफाई कर लीजिए। जो आपका ब्राउचर आया है उसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब की बार जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, अब की बार ये ऑनलाइन टेस्ट करा रहे हैं, तो क्वेश्चन अब की बार इन्होंने 100 दिए हुए हैं, और जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे वो आपको 150 मिनट में करने होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 400 नंबर का पूरा पेपर होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। जो आपका टेस्ट होगा उसका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा और हिंदी दोनों होगा, दोनों में आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो आप इन्होंने बताया हुआ है कि नेशनल लेवल टेस्ट वैसे एग्जामिनेशन हमारे लिए नहीं है, तो गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन फॉर रिपोर्टिंग फॉर द सीईटी, इन्होंने बोला हुआ है कि अपनी वेबसाइट को जाकर के चेक करते हैं, और जब आप जनरल इंस्ट्रक्शन और रिपोर्टिंग होगी सीईटी की कि तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके ले जाएंगे आईपीयू की वेबसाइट से। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा वो हमने अभी आपको ऊपर बताया था कि आपके पास में आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर के जाने होंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, अलॉन्ग विद फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ फॉर पासिंग इन अटेंडेंस सीट और एडमिट कार्ड बाय द इन्विजिलेटर। तो एक आपका आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाने हैं, अलॉन्ग विद योर एडमिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उन्होंने बताया हुआ है ये सारी चीज़ें, तो ये इसमें आपका एडमिट कार्ड के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं, नीचे आते हैं, तो नीचे इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हुई है, इसका हमें अभी कुछ नहीं करना। ये बाद की चीज़ें हैं कि आपको कैसे कैसे काउंसलिंग फ्यूचर और सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपको बताया हुआ है यहाँ पर कि कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट जीजीएस आईपीयू, ये आपको रेगुलरली विजिट करना आईपीयू की साइट फॉर लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन। कुछ चेंज होता है, कुछ भी चीज सर्कुलर आता है तो आपको पता लग जाए। इसके बाद उन्होंने बोला है कि एक्सपेंसिस जो हैं ट्रैवलिंग के वो इसमें एडमिशिबल नहीं है, जो आप पेपर भरोगे इसके जो पैसे दोगे 1200 रुपये, इसमें आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद जो आपकी टेंटेटिव शेड्यूल है, तो लास्ट टाइम क्या होता था दोस्तों, एक ही पेपर होता था, एक ही पेपर मींस कि एक ही बार में एक ही दिन में एक ही पेपर होता था, एक ही टाइम पे होता था, ऑफलाइन पेपर होता था। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन पेपर कर दिया है, और 3 शिफ्ट में पेपर होगा, 2 या 3 शिफ्ट में पेपर होगा, इन्होंने बोला है 2 या 3 शिफ्ट में पेपर होगा। जो होगा वो पहली शिफ्ट होगी 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट होगी 12:30 से लेकर 3 बजे तक, और तीसरी शिफ्ट होगी शाम को 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। 2.5 घंटे की 3 शिफ्टें होंगी, और जहां तक मेरे को लग रहा है इन तीनों शिफ्ट में आपका अलग अलग सेट का पेपर आएगा, क्योंकि सेम पेपर नहीं आ सकता। तो तीनों शिफ्टों में अलग अलग पेपर आएगा, तीनों में आपका जो डिफरेंट होगा सेट, और तीनों की जो मार्किंग होगी वो भी अलग ही होगी। ठीक है, तो आपकी जो आपका सिलेबस है इस पर बताया हुआ, तो 3 शिफ्ट में आपका पेपर हो जाएगा, तीनों की आपके पेपर सेट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस, तो आपकी वो आपको बताई दी जाएंगी कि कैसे कैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं पेज नंबर अपना 110 पेज नंबर हो गया था कंप्लीट। 110 पेज नंबर पे इन्होंने बताया हुआ था इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो हमें यहीं तक इसमें जो इम्पोर्टेंट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फिल करने के लिए पेपर देने के लिए अपना यहीं तक इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों हुआ क्या था कि यहाँ पे बच्चों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, एज क्राइटेरिया में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों एज क्राइटेरिया में इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं, एज क्राइटेरिया में इन्होंने बोला है कि 17 साल से 21 साल तक होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आईपीयू में 23 साल तक होता है। इस बार हुआ क्या था कि इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन, पहले तो ये ऑफलाइन कराते थे तो इनका अपने पास में था सब कुछ, लेकिन अब की बार से इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, तो एग्ज़ाम सबसे पहले ये लोग हमने यूनिवर्सिटी में पता किया है, तो वहाँ से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि सबसे पहले तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग इन्होंने ऑनलाइन के लिए सबसे पहले इन्होंने NTA को दिया, NTA एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन NTA के पास ऑलरेडी अपना बर्डन था, उसने मना कर दिया था, फिर NIC के पास गए थे, NIC ने भी इसका ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया था। उसके बाद इन्होंने ये एग्जाम सेंटर अपना TCS को दे दिया है, तो सारा का सारा आपका जो कंडक्ट करा रहा है इस बार एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर आपका एग्जाम तक वो TCS कंडक्ट करा रहा है, और TCS को नहीं मालूम है कि कितना एलिजिबिलिटी का है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमने यूनिवर्सिटी को बताई हैं, वो कंडक्ट करा रहे हैं, वो चीज़ें ठीक करेंगे। उन्होंने हमें बोला है कि एज 23 साल ही होगी। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो वो आपका यूनिवर्सिटी में जाके पता कर सकता है, अदरवाइज़ उन्होंने बोला है कि हम इसको अभी तुरंत ठीक करवा देंगे, आजकल या 1-2 दिन में आपका ठीक हो जाएगी एज क्राइटेरिया का भी। और दूसरा एक प्रॉब्लम आ रही थी कि 12th में और डिप्लोमा में जब हम एजुकेशनल लेवल अभी फॉर्म फिल करेंगे उसमें बताएंगे, तो 12th लेवल और एग्जामिनेशन लेवल जो हम फिल कर रहे थे उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि 12th और का जो डिप्लोमा है वो मैंडेटरी बता रहा था, लेकिन 12th ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो भी चीज़ हमने बताई थी, तो वो भी बोले थे कि हम 12th को ऑप्शनल ही कर देंगे, उसमें मैंडेटरी ऑप्शन नहीं होगा, तो वो हट जाएगा। आप मंगलवार तक, जिनका नहीं हो रहा है वो मंगलवार तक वेट करिए, मंगलवार को आप लोग करेंगे तो मंगलवार तक फाइनली होने के बाद तक हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये तो हमारा था दोस्तों के एडमिशन ब्राउचर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करना है।
चलिए तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वीडियो में हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो प्रोसेस करना है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो जाना कैसे है, यहाँ पे आएंगे हम सबसे पहले एडमिशन 2020-21 में। यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इससे ऊपर गए थे हम ब्राउचर के लिए, इससे नीचे एडमिशन फॉर्म। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आप जैसे क्लिक करोगे आप आ जाएंगे ये वाले पेज पे। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएंगी, ये आपका इंस्ट्रक्शन दी हुई है कुछ क्या क्या चीज़ें हैं, कब कब खुले रहेंगे, कब तक एप्लीकेशन फॉर्म चलते रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेंगे। इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद जैसे ही आप सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन डालना है। ये डिक्लेरेशन डालना है कि मैं आगे जितनी भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है मैं उनके हिसाब से अपना फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो हम आपको एक टेम्प्रेरी फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाएंगे। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कि स्टार्ट, या आप स्टार्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज खुलेगा वो ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है अपनी। यहाँ पे डिटेल डालोगे तो प्रोग्राम ग्रुप, प्रोग्राम ग्रुप हमारा क्या है, CET UG अंडर ग्रेजुएट CET वाला है, तो ये डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम नेम क्या है, लेटर एंट्री टू BTech प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। उसके बाद CET कोड अपने आप ले लेगा, वो 128 है। कैंडिडेट आपका फुल नाम डाल लेना है यहाँ पे। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डाल दोगे, ईमेल आईडी कन्फर्म कर लेना, ईमेल आईडी पे ही आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आएगा। उसके बाद आप ये डाल दोगे कैप्चा, यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद जैसे आप यहाँ से सबमिट करोगे, नीचे से सबमिट करोगे तो सबमिट करके आपका जो पेज खुलेगा वो ये वाला पेज खुलेगा, जिसमें आपको लिखा आएगा यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली, काइंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म बाय यूजिंग द क्रेडेंशियल शेयर ऑन योर ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो ईमेल आईडी पे भी और कॉन्टैक्ट नंबर पे, आपकी ईमेल आईडी पे भी और कॉन्टैक्ट नंबर पे भी इन्फॉर्मेशन सेव कर दी गई है। अब जैसे ही आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपना डालेंगे एप्लीकेंट लॉगिन में, यहाँ पर आपको यूज़र आईडी मिल गई है और पासवर्ड मिल गया है, तो वो सब दोनों चीज़ें आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है। अब बात क्या है कि उससे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पहले से ही, ठीक है, तो आप यहीं पे आ जाइए। आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन पे ये क्लिक करके आपको सीधा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट ये वाला पेज खुलेगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको डायरेक्ट यूज़र आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। तो जैसे ही आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपका जो है यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका यहाँ पे ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई हुई हैं कि आपकी जो पर्सनल डिटेल आपने डाली वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपने क्या क्या चीज़ें डाली, जैसे CET UG डाला था रजिस्ट्रेशन में, लेटर एंट्री टू BTech 128 कोड डाला था, कोर्स की डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल डाली थी। तो वो सारी वेरीफाई करके फिर जब आप टॉप पे आएंगे, सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बोलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आप अपना यहाँ पर आ करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये एक टैब खुलेगा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के आप क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें करेंगे, सबसे पहले एलिजिबिलिटी डिटेल्स डालेंगे, पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे, एंड देन डिक्लेरेशन। ये सब चीज़ करने के बाद अब फिर आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे, डिक्लेरेशन पे आपकी टोटल भी 1200 रुपये पेमेंट करना होता है। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है एलिजिबिलिटी डिटेल, तो हम आपको फिल करके उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल दी हैं, जो पहला पेज था मेरा, पहले पेज के अंदर मैंने अपनी सारी डिटेल्स डाल दी हैं। जैसे ये तो आपका डला हुआ आया था, फिर मैंने आपको सेंटर चॉइस डाली, पहले मैंने दिल्ली डाली, लखनऊ डाली, चंडीगढ़ डाली, जयपुर डाली। तो आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी सेंटर डिटेल डालेंगे, उसके बाद आप जेंडर डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है अभी के टाइम पे, लेकिन एक दो दिन में ये ठीक हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने अभी 21 ईयर का रखा हुआ है, लेकिन ये 23 ईयर्स तक होगा। अगर अभी नहीं हो रहा है आपका तो आप मंगलवार तक वेट कर लीजिए, मंगलवार तक ये कम्प्लीटली डन हो जाएगा, उसके बाद आप डाल सकते हैं। 23 साल तक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद हमने हैंडीकैप, आर्मी कोटा, डिफेंस बैकग्राउंड, और आपने डिप्लोमा कहाँ से पास किया है वो यहाँ पर डालना है आपको। डिप्लोमा दिल्ली से कर रहे हैं तो दिल्ली डाल देंगे, आउटसाइड दिल्ली है तो आउटसाइड दिल्ली डाल देंगे। तो ये चीज़ें डालने के बाद आप इसको सेव कर देंगे, सेव करके नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सेव करके नेक्स्ट करेंगे तो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। इसके बाद आपको आगे डालना है क्या है, ये तो आपके पर्सनल डिटेल हो गई। अब आपको आगे यहाँ पे चीज़ें डालनी हैं, हम आ गए हैं अब पर्सनल डिटेल के टैब पे। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल एंड डिक्लेरेशन, तो ये सारी चीज़ें हमको डालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने अपना नाम चेक किया, उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद मदर्स नेम डालेंगे, उसके बाद मैरिटल स्टेटस डालेंगे, हम नेशनैलिटी डालेंगे,
उसके बाद रिलीजन डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे ऑप्शनल है, वो डालने की ज़रूरत नहीं है। आधार नंबर भी ऑप्शनल है, वो डालने की ज़रूरत नहीं है, डालोगे नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। मोबाइल नंबर डाला हुआ है, ईमेल आईडी डाली हुई है। इसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, प्रेजेंट एड्रेस डिटेल डालोगे तो आप डाल लेना जो भी डालना हो। एड्रेस लाइन टू ऑप्शनल है, सेलेक्ट स्टेट, स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली। इसके बाद कंट्री इंडिया, इसके बाद एंटर सिटी नांगनोई, डिस्ट्रिक्ट है हमारा वेस्ट दिल्ली, ठीक है। पिन कोड हम डाल देते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेम, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है जो कि प्रेजेंट एड्रेस है तो ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा आपका नीचे, हो गया कुछ नीचे कॉपी। अगर नहीं है तो नो पे करना, फिर नीचे दूसरा एड्रेस डाल देना जो आपका परमानेंट एड्रेस है। इसको करके हम सेव करेंगे, सेव कर दिया। अब हम वहाँ से आ गए हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन डिटेल पे आते हैं, तो सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन का डालना है। तो मैट्रिकुलेशन डालोगे तो आपने जहाँ से यूपी, जैसे आपका आपने कहाँ से किया है मैट्रिकुलेशन, मीन्स टेंथ आपने कहाँ से किया है, सीबीएसई से किया है, यूपी बोर्ड से किया है, बिहार बोर्ड से किया है, जहाँ से भी आपने किया है यहाँ पे यूपी बोर्ड डाल लिया। जैसे मैंने यूपी बोर्ड से किया है, नेम क्या था मेरे इंस्टीट्यूट का या स्कूल का, तो डीएवी स्कूल था वो, ठीक है। सब्जेक्ट मेरे पास में क्या थे, तो सब्जेक्ट आप डाल देना पीसीएम, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है यहाँ पे आप प्रॉपर लिख देंगे लाइक दिस। फिजिक्स, सॉरी टेंथ की बात हो रही है, तो साइंस था मेरे पास, हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ था, कितने हो गए चार, ड्राइंग था और सोशल साइंस था, तो ये छह सब्जेक्ट थे। ईयर ऑफ पासिंग मेरा क्या था, 2030 डाल दिया। परसेंटेज मार्क्स थे मेरे कितने, 83%। इसके बाद हम नीचे चलेंगे तो इंटरमीडिएट की 12th की डिटेल्स, अब ये ऑप्शनल नहीं है, पहले ये ऑप्शनल आ रहा था लेकिन हम इसको छोड़ सकते हैं, इंटरमीडिएट डिटेल हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डिप्लोमा डिटेल्स में आएंगे, डिप्लोमा डिटेल्स अपियरिंग है तो अपियरिंग डाल देंगे, और अगर पास कर लिया है तो पासवर्ड डाल देंगे। सबसे पहले अपियरिंग का देखते हैं, तो अपियरिंग में आपको क्या पूछेगा, डिग्री का नेम पूछेगा, 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, उसके बाद सब्जेक्ट आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या आपकी जो भी ब्रांच है वो यहाँ पे डाल देना। नेम डाल देना अपना, जिस भी आप जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ से डाल देंगे। प्लीज सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग डाल देना, किस ईयर में आप पास करने वाले हैं, अगर अपियरिंग है तो आप कब पास करेंगे, 2020 में पास करेंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपियरिंग है आपका, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पासवर्ड का डालेंगे तो ये आपका कंपलसरी हो जाएगा, यहाँ पे अब आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो डिप्लोमा डिटेल हमने डाल दी, 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स GNDIT, ईयर ऑफ पासिंग जैसे मैंने आपका 2018 में पास कर लिया था, ये परसेंटेज में जो थे वो थे 85, ठीक है। तो ये हमने डिटेल्स डाल दी हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, काइंडली नोट दैट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज लेड डाउन इन द एडमिशन वाउचर। एडमिशन वाउचर में क्या बोला है, 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, तो वो देख लेना, डिक्लेयर कर फिर क्लिक कर देंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाएंगे। तो ये आपका हो गया कि अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या क्या, एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक आपको सिग्नेचर स्कैन करने हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, अपना हमें अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे। डॉक्यूमेंट में हमें कितनी चीज़ें अपलोड करनी थी, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट में दो चीज़ें अपलोड करनी थी। सबसे पहले हमें अपलोड करना था आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो कि आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और 100 KB से नीचे होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है अपना, यहाँ पर आप, मैं तो कुछ भी डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप अपना जो प्रॉपर फ़ोटो है वो डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कोई भी फाइल, अब फाइल फॉर्मेट भी इन्होंने बोला हुआ है कि फाइल फॉर्मेट जो या तो JPEG चलेगा या JPEG चलेगा, ठीक है, PNG नहीं चलेगा, और 100 KB से नीचे होना चाहिए। तो मैंने ये यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो ये मेरा अपलोड हो गया है सक्सेसफुली, यहाँ पे अपलोडेड लिखा आ गया। उसके बाद में सिग्नेचर भी मैंने उठा के अपना यही अपलोड कर दिया है जो मैंने अपना फ़ोटो डाला था, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको टेम्प्रेरी फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया है, लेकिन आप अपना जो भी फोटो और सिग्नेचर है प्रॉपर फॉर्मेट में वही डालेंगे। तो ये मेरे दोनों अपलोड हो गए हैं। दोनों अपलोड होने के बाद में मैंने यहाँ पे जो मेरा कैप्चा था वो फिल कर दिया है, और डिक्लेरेशन है ये वाला, डिक्लेरेशन का आपका टिक यहाँ पे कहीं नहीं है शायद, डिक्लेरेशन का कोई टिक नहीं है। इसके बाद आप यहाँ से आई एग्री करेंगे, ये टिक है यहाँ पे, उसके बाद सबमिट करेंगे, आर यू श्योर वन टू सबमिट, ओके। दोबारा डालना पड़ेगा हमें कैप्चा, दोबारा डाल देते हैं आई KWMF8R, ये हमने दोबारा डाल दिया, सबमिट कर देते हैं,
ओके देखिए ये सबमिट हो चुका है हमारा। अब ये बिल डेस्क आ गई है, अब हमें पेमेंट करनी है यहाँ पे 1200 रुपये की पेमेंट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इससे ज़्यादा मैं आपको अब कुछ नहीं बताऊंगा, पेमेंट मुझे करनी नहीं है, मुझे टेम्प्रेरी फॉर्म फिल करना था। जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो आपकी मैं दोबारा बता दे रहा हूँ एक बार। सबसे पहली प्रॉब्लम आई थी एज में, ठीक है, एज का क्राइटेरिया 2000, ये आपको 21 साल तक बता रहा है कि 21 मैक्सिमम एज है, लेकिन वो 23 तक हो जाएगी अगर अभी नहीं हुई है तो। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया आपका किस में था, क्वालिफिकेशन में, कि 12th डाले या इंटरमीडिएट जो आ रहा था वो कंपलसरी आ रहा था, लेकिन वो ऑप्शनल है, मैंने आपके सामने अभी नहीं भरा है 12th। ठीक है, तो वो भरने की कोई जरूरत नहीं है, केवल डिप्लोमा डालना है, अपियरिंग या पास आउट। तो ये दोनों चीज़ों में दिक्कत आ रही थी, वो मैंने आपके सामने फिल करके दिखा दिया है। ओके, थैंक यू सो मच।